इंग्लिश इज इंग्लिश, किसी का नहीं है, नो वन इज एवरीवन। और मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बना सकते हैं? मैं मुस्कुरा तो जरूर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरा दिल रुला दिया। आपके वीलॉग्स देख चुके हैं, काफी कैप्टिवेटिंग, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। स्टेज पे आप इनको परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं। He is one of the best performer we have in the college. जोरदार तालियां अपने कजिन साहब के लिए। हाँ तो भाई, कहानी ये है कि बॉयज की आज मैं और ताहिर साहब हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में। कॉलेज में आज पार्टीज हैं, फेयरवेल पार्टीज। मैं पार्टी नहीं कह रहा, मैं पार्टीज कह रहा हूँ। पार्टीज यूँ कह रहा हूँ कि एक है गर्ल्स कैंपस की और दूसरी है बॉयज कैंपस की। गर्ल्स वाली पार्टी पे तो हम पहुंचे हैं 12 बजे और वो अबाउट 20, ठीक है। वहाँ से सिर्फ हमने खाना खाया है, यस। अब बॉयज वाली शुरू होने वाली है, इंजॉय हमने यहाँ पे करना है। बॉयज वाली पार्टीज में इंजॉय करते हैं, ऐसे ही सर। और यहाँ पर तो होती किसी काम की नहीं। सर ये मेरे व्लॉग में फटा पड़ जाएगा, कह रहे हैं गर्ल्स वाली किसी काम की नहीं। भाई सारी पार्टी बहुत अच्छी होती हैं। ताहिर साहब जुमला आपका बहुत महंगा पड़ जाएगा। गर्ल्स वाली वो पार्टी ऐसी होती है, फौत की वाली पार्टी होती है, खामोश होकर बैठना पड़ता है। आप मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप सुन रहे हैं। सर ये आपके स्टूडेंट ने आप पे बात करनी है। बात कोई बात नहीं है, जो रियलिटी है रियलिटी है। Here we go for the party of boys। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं हॉल में। कहानी ये है कि आज हमारी यहाँ पर पार्टी है और पार्टी भी बॉयज की। मॉर्निंग में गर्ल्स की पार्टी थी तो लड़के खासे खामोश रहे, लेकिन अभी बॉयज की पार्टी है। उससे पहले यहाँ पर फोटो शूट के इंतजाम किए जा रहे हैं। फहद भाई की सर्विसेज ली गई है। फोटो शूट के चक्कर में मेरे दोस्त टेरिस पे चले गए ऊपर। ताहिर साहब थोड़ा और ऊपर चले जाए, अल्लाह ताला के करीब है। मैं भी जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर जाकर आपको इस टेरिस से कॉलेज के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। लेट्स गो देयर। मोहसिन साहब, ताहिर साहब क्या कहेंगे आप, इतना बुलंदी पे कैसा फील कर रहे हैं आप? सर ये बहुत ही अच्छा नज़ारा था। आप पीछे देखें कितनी गांव वाली फीलिंग आ रही है, फसलें नजर आ रही है, नेचुरल नेचुरल लुक मिल रही है यहाँ। इस वजह से हम ऊपर आए हैं, थोड़ा सा हम जो है ना बेहतर फील कर। मोहसिन साहब अगर थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं। अब बिल्कुल ऊपर चले जाएं। ये थोड़ा सा कैमरा मुझे दिखाया तो मैं आपको दूसरा वाला व्यू दिखाऊंगा। कौन सा वाला? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये कैमरा देखे, दूसरे वाला व्यू देखे सर, दूसरे वाला। ये देखें ये कॉलेज का व्यू कैसे आ रहा है बेहतरीन करके। और सामने ये हमारे मोहसिन साहब हैं, किधर है ये कैलकुलेटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। और यहाँ पे हर चीज संभालते यही हैं, ये सारे टेंटमेंट इधर उधर सारी कैटरिंग वाले। ये हमारे व्लॉगर भाई हैं, ये हमेशा व्लॉगिंग करते हैं, कभी हमें भी उस व्लॉग में डाल देते हैं, कभी नहीं। और सबसे ज्यादा जिस बंदे की डिमांड आई है ना, मोस्ट वांटेड पर्सन के अपने व्लॉग में लाओ, दिस इज द पर्सन। यकीन माने तो ताहिर साहब हमारे व्लॉग में, मुझे डर है कि इन्होंने अगर अपना यूट्यूब चैनल बना के इंग्लिश बोलना शुरू कर दी ना, तबाही है तबाही। सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, इसलिए हम क्योंकि सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं तो ये बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश इज इंग्लिश। हम उर्दू वाले बंदे हैं, इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम। आखिर पर जो बात खत्म की ना ताहिर साहब ने, मोहसिन साहब बताएंगे सर क्या इंग्लिश इज इंग्लिश। बहुत बड़ी बात की, मतलब मौरख ने ये लिखने के बाद कलम तोड़ दी। इंग्लिश इज इंग्लिश, कोई किसी का नहीं है, नो वन इज एवरीवन। भाई फोटो शूट लड़कों का अच्छे तरीके से हो गया, और उसके साथ साथ हमारे साथ ये मौजूद है हमारे मैजिशियन साहब। मैजिशियन साहब आप सबसे बड़ा मैजिक क्या कर सकते हैं ये बताएं जरा। मैं जी आपको गायब कर सकता हूँ। मुझे गायब कर सकते हो? करें जरा 3-2-1 गायब। आप मैजिक में कौन सी बड़ी चीज कर सकते हैं सर? मैजिक में लड़की के 2-3 टुकड़े कर सकते हैं। लकड़ी के 3 टुकड़े? लड़की के। अच्छा मैं लड़की के, मैं लकड़ी के समझा। और मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बना सकते हैं? नहीं नहीं जरूरत नहीं। आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि भाई बच्चों के साथ आपने बनाने हैं फोटोज। फोटो शूट बैक टू बैक चल रहा है यूनिस साहब और मैंने, बच्चों के साथ इतने बच्चों ने हमें घेर लिया और पिक्चर्स बनवाए सर, तो हमें तो कुछ और ही फील हो रहा था। दीज आर द प्राउड फीलिंग, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग सर। जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको फेयरवेल करना, उनको टाटा बाय बाय कहना है। सर 2 साल आपने बच्चों को पढ़ाया है, अटैचमेंट हो गई है,
इस अटैचमेंट की अलहदगी को कैसे देखते हैं आप? सर, पहली बात तो ये है कि बच्चे जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं। एक क्लास ऐसी थी जिसके साथ मुझे दिली लगाव था, जैसे मैं उनको पढ़ाता था शायद किसी को उस इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ पढ़ा पाऊँ। सबको दिलचस्पी से पढ़ाते हैं लेकिन उसे थोड़ा एक्स्ट्रा। मैं मुस्कुरा तो जरूर रहा हूँ लेकिन मेरा दिल रो रहा है। रुला दिया। स्टूडेंट जो दो साल मेरे साथ मेरे पास पढ़ते रहे। कौन सी क्लास है? क्लास MB2 क्लास। आए हाय सर, MB4 वाले भी देख रहे हैं आपकी वीडियो। MB4 क्लास भी मेरे दिल के बहुत करीब। शहजाद साहब, शहजाद साहब, MB4 के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने भी पूरा साल पढ़ाया है। ये तो आपने हमारे दिल के तार छेड़ दिए MB4 का नाम लेकर। सर, MB4 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितना अफसरदा हैं उतना खुश भी हैं। इस क्या मतलब, MB4 के जैसी क्लास इस कॉलेज में नहीं आएगी? नहीं। क्या बात नहीं, उसमें ऐसी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या खसूसियात हैं? हर एक बच्चे की अपनी खसूसियात है, वखरे हैं, मुनफरिद हैं वो हर एक एंगल से। शहजाद साहब, आप आपका मैसेज क्या है इस अलविदाई तकरीब पे? जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपने जन्नतुल फिरदौस में अलम का नहीं दुनिया से थोड़ी ना जा रहे, कॉलेज से जा रहे हैं। अब कैरियर बनाएं, अपना मेहनत करें, हमारी नेक तमन्नाएं जब तक पढ़ते रहेंगे हमारी जो है नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। बहुत शुक्रिया। बाकी सर, मैं इतना अफसरदा जरूर हूँ बच्चों के जाने पे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस बिल्डिंग से छलांग नजर आएंगे देखें ये सर, ये आंसू मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खुश ज्यादा हूँ या परेशान ज्यादा। मैं अब्दुल कदीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और इस सेगमेंट को आगे लेकर चलें। जनाब अब्दुल कदीर साहब, भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? ये जोरदार एक शोर गुल तो सुनाओ यार मुझे एक बार फिर। हमें दुख इस बात का है कि आप हमसे बिछड़ रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि MG4 भी जा रही है। मेरे घर का पुलिस इतने चौकस पुलिस अफसर दिखे गई नहीं, जिन्ने पुलिस मुकाबले हुए ने तोड़ा फिरा एक बिच भी नहीं सी। यार एक गली में गोलियां तो नहीं डरता, जब मेरे सामने कोई डाकू आ जाता है ना मैं इतना गुस्सा आता है मैं सवा दो घंटे वास्ते बेहोश हो जाता। डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ कुरमानी फाउंडेशन मिस्टर फैसल शहजाद। Let's talk about Department of Physics. Physics department में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मेरे को पार्टनर है मिस्टर अब्दुल कदीर साहब, लेक्चरर इन फिजिक्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कदीर साहब। कदीर साहब प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। आप इनके वीलॉग्स देख चुके हैं, काफी कैप्टिवेटिंग, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। स्टेज पे आप इनको परफॉर्म करते हुए देख सकते देख चुके हैं। He is one of the best performer we have in the college. So Abdul Kadir sir, aapke liye. लोगों की बातें आपके हौसलों को पस्त नहीं करेंगी और इस तरह इंशाल्लाह आप साबित कदमी से और बुलंद हौसले से अपने मुस्तकबिल की तरफ गामजन रहेंगे।
हाँ तो भाई जो मेरे व्लॉग्स है ना वो मेरे स्टूडेंट भी देखते हैं। अभी सुल्तान ने मुझे बताया सर मैं ना सिर्फ आपके व्लॉग देखता हूँ बल्कि मैंने आपके चैनल को भी देखा है सर जी। आप सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले कुछ और बोला था सस क्या था सब्सक्राइब बड़ा औखा काम है यार ये मतलब बटन नहीं दबाना कोई औखा काम है लाल वाला बटन ना वो ये सर लाल वाला बटन घंटी भी दबानी घंटी दबानी है और बेल आइकन भी विश यू ऑल द बेस्ट बॉयज।